इस महाकुंभ में सबसे पहले मैं जो हमारे समाज के बंधु पधारे हैं उनको नमन करता हूँ हमारे जो साधु महात्मा पधारे हैं उनको नमन करता हूँ एक एक व्यक्ति का नाम लूँगा मुझे दो मिनट का समय दिया है तो बहुत समय लगेगा इसलिए आदरणीय मंच मैं सबसे पहले उन लाखों किसानों को याद करता हूँ जिन्होंने मंडल के टाइम से उससे पहले किसानों को आज़ादी दिलाने के लिए जो कार्य किया उनके बलबूते पर आज हम जो मंत्री बने हैं विधायक बने हैं या जो व्यापारी बने हैं जो हमको पढ़ने का अधिकार मिला है हमको मकान बने ने का अधिकार मिला है उन सबको मेरी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ हमने आज़ादी के बाद बहुत उन्नति की है जाट समाज ने हम सेना में सबसे आगे हैं हम शिक्षा में सबसे आगे हैं हम सर्विरशेज में अपने बुलबुत्ते पर बहुत हैं अब महिला शिक्षा में आगे हैं हम समाज के हर क्षेत्र में आगे हैं पर अब हमारे बीच में कुछ जो समाज आगे बढ़ जाता है जो आराम तलब हो जाता है उसमें कुछ कुरितियाँ आ जाती हैं तो मेरा समाज के बंधुओं से ये निवेदन है कि हमको उन कुरीतियों से दूर रहना है मेरे से पहले जैसे रणवीर जी गर्व के साथ कह रहे थे कि हम जेलों में भी अस्सी परसेंट हैं हम क्यों जाएं जेल में 80 परसेंट हमको आगे बढ़ने के लिए जेल कोई साधन थोड़ी है स्वतंत्रता के टाइम में तो जेल साधन थी पर अब कोई जेल साधन नहीं है तो हमको समाज को अपराध से दूर रखना है नशे से दूर रखना है वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता जिसमें कुरतियाँ आ जाती हैं कुरितियों को हमको दूर करना है हम धन का भद्दा प्रदर्शन करते हैं हम हमारी ताकत का कई बार गलत उपयोग करते हैं तो मेरा समाज के बंदों से यही निवेदन है कि आज जो संकल्प पत्र यहाँ पढ़ा गया है आप उसको आत्मसात करें उसके साथ चलें हम यहाँ बहुत सारी बात कर रहे हैं सेना में हमारी अब क्या स्थिति होने जा रही है वो भी आपसे छुपावा नहीं है उसके लिए भी हमको मेहनत करनी है हमारी शिक्षा में हमको और आगे बढ़ना है हमारे जो बंधु आगे बढ़ गए उनका ये दायित्व है कि वो एक परिवार को आगे बढ़ाने का संकल्प लें उस परिवार को जो विकास की दौड़ में सबसे पीछे खड़ा है होता यह है कि हम समाज के बलबूते पर आगे आते हैं और आगे आगे समाज को भूल जाते हैं ये हमको नहीं करना चाहिए और हम अकेले अपने समाज के बलबूते पर आगे नहीं बढ़ सकते चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे आर्थिक क्षेत्र हो हमको और सभी समाजों को साथ लेके चलना पड़ेगा यहाँ आरक्षण की बात आई और मैं जानता हूँ जाट समाज कभी भी एहसान फरामोस नहीं हो सकता है जाट समाज में अगर कि आरक्षण के लिए किसी एक व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान है तो वो कर्नाटक के किसान नेता एच डी देवगौड़ा का है उन्होंने कमीशन बनाया और वो कमीशन अगर रिपोर्ट नहीं देता रामोवालिया जी काम नहीं करते हमारे कॉमरे कॉमरेड हरकिशन सुरजीत काम नहीं करते तो कोई आपको आरक्षण मिलने वाला था नहीं उसी समय भारत के गजट में छप्पन नंबर के वो छप गया था पर चूंकि इलेक्शन की लोकसभा भंग हो गई इलेक्शन की आचार अहसिता लग गई वाजपेयी जी ने उसको ढाई साल के बाद लागू किया और वो भी तब लागू किया जब हमारे समाज सुप्रीम कोर्ट में चला गया मैं आदरणीय वाजपेयी जी का बहुत आदर करता हूँ पर हमको जिस व्यक्ति ने हमारे समाज के लिए काम किया आदरणीय देवगौड़ा जी ने सारा काम नेट पर है आप उसको निकाल के देख लें और हमको कर्तव्य होना चाहिए कर्तज्ञ कर नहीं होना चाहिए तो मैं जो हमारे आज के कर्ता दत्ता हूँ उनको ये निवेदन करूँगा कि कम से कम देवगौड़ा जी का नाम भी तो आप ले लें हम कहीं कमजोरी नहीं है समाज के जो बात आती है उसमें जो भी सरकार में हमारे प्रतिनिधि हैं डटके समाज के लिए लड़ते हैं और डटके समाज के साथ खड़े हैं आप लोगों की ताकत हमारे पीछे है 36 कौम की ताकत हमारे पीछे है पर मेरा समाज के बंधुओं से यही निवेदन है कि आप तभी आगे बढ़ सकोगे जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया था कहा है कि आप हर समाज में अपनी पैठ बनाओगे अकेला पहाड़ कभी भी अकेला चना कभी भी पहाड़ नहीं फोड़ सकता हमको सबको साथ लेके चलना है सबको विकास की दौड़ में आगे रखना है ये अलग बात है कि अपनी मेहनत से कौन आगे निकल जाता है और कौन पीछे लग जाता है मैं आयोजनों का बहुत आभारी हूँ कि पुष्कर में जो महाकुंभ हुआ था सौ साल पहले उसके बाद आज इस महाकुंभ का आयोजन किया समाज के सभी बंधुओं को यहाँ आने का अवसर दिया अपनी बात को रखने के अवसर दिया और समाज को मंथन और मनन करने का अवसर दिया इस मंथन और मनन में आप ऐसी बात निकालें जिससे कि समाज आगे बढ़ सके बहुत बहुत धन्यवाद जैन